ओके सो हाय गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं इस टाइप की न्यू क्लाउड फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में कुछ बैकग्राउंड चेंजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। तो उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। ठीक है, यहाँ पे जो गाइस मैंने मॉडल जो इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, तो अगर आप लोगों को इरेज करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3-4 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, तो आप लोग देख लेना, आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं। तो आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आप लोग जब आप अपने मॉडल को ऐड कर लोगे तो गाइस आप लोगों को जो पोज वगैरह वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट आपका पोज जो है उस पर बैठने वाला होना चाहिए, जैसे गाइस आप इस क्लाउड पे बैठा होगे। ठीक है, उसके बाद आप सभी को करना क्या, गाइस यहाँ पे आपको चले जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद ओपेसिटी हार्डनेस आप सभी को यहाँ पे कम कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को जो है यहाँ पे जूम फोटो को जूम करके जो है आप सभी को यहाँ से जो है मतलब कि इरेज करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको इरेजर ले लेता हूँ, एंड यहाँ से जो है मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज और कर लेता हूँ क्योंकि इतने से मैं काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद जो हम इसको ऐसे से इरेज करेंगे, ठीक है, साइड साइड से, मतलब कि आपको पैरों को साइड साइड से इरेज करना, मतलब कि इससे ये लगना चाहिए कि जब आप क्लाउड्स के ऊपर बैठोगे तो हल्का हल्का क्लाउड जो है आपके ऊपर भी दिखेगा ना, तो इस तरीके से आपको उसको इरेज करना है, एंड इसको हमें रियलिस्टिक बनाना है। ठीक है, तो इसलिए हम जो इस क्लाउड को यहाँ पे इस तरीके से रिमूव कर रहे हैं, और गाइस थोड़ा आराम से करना और टाइम देके करना, ताकि जो है मतलब कि आप जितना ज़्यादा टाइम आप एडिटिंग में लगाओगे आपकी फोटो जो है उतनी ही ज़्यादा अच्छी एडिट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं फटाफट, फिर बताता हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। ठीक है, सो इतना हो जाने के बाद जो है आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जो है यहाँ पे अपनी फोटो को जो है यहाँ पे डन कर लेना है। फिर इतना हो जाने के बाद आप सभी को फ्री करना है, यहाँ पे गाइस आपको इतना कर देने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि अब हमारा पिक्सार्ट का काम इतना ही है। ठीक है, अगर आपने फेस को रिटच वगैरह कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किया है तो गाइस आप कर लेना। तो बाकी लाइट रूम में जाने के बाद आपको पहले जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्लस कर देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो शेडो है शेडो को थोड़ा सा माइनस कर देना है, एंड जो गाइस यहाँ पे जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है, फिर उसके बाद वाइट भी बढ़ा देना है। फिर आपको चले जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद चले जाना आपको मिक्स में, पहले लेना है ऑरेंज कलर, इसका जो है सैचुरेशन इंक्रीज करना है। ठीक है, लूमिनस भी बढ़ा देना है, एंड इसको जाना है डार्क ब्लू में, अगर जैसे कि ब्लू कलर अगर आपको नहीं चाहिए होगा, अगर चाहिए होगा तो प्लस कर देना, नहीं चाहिए होगा तो डिक्रीज कर देना। फिर उसके बाद आपसे भी करना है क्या, यहाँ पे आपको अपनी फोटो कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में डाल देना विग्नेट, फिर नीचे स्क्रॉल करना है मिलेगा थोड़ा सा ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है इसमें, फिर उसके बाद नीचे लेटर में जाना आपको हमें शार्पनेस बढ़ा देना है, नोट रिडक्शन भी बढ़ा देना है, जो कलर नोट रिडक्शन है उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।